अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट ब्यूटी टिप्स। आज की एमडी बहुत ही मजेदार होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। आज का जो DIY है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो वन डे चैलेंज है। चलें हम लोग देखते हैं हम लोग वन डे चैलेंज में अपनी ग्लास स्किन कैसे करते हैं। आप एक ही यूज़ में हैरान हो जाएंगे, इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। पार्लर में जाके हज़ारों रुपये वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग होममेड फेशियल घर पर करें, इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं तो पार्लर वालों को भी रेकमेंड करूँगी कि वो पार्लर में ऐसे सर्विसेज लेकर आए और लोग इसको यूज़ करें। हज़ारों रुपये में इतनी महंगी बिकने वाली फेशियल किट्स आप अपने फेस पे तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं उसका कितना ज़्यादा नुकसान होता है आपकी स्किन में। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो तब तक आपको वो फ़ायदा देता है, लेकिन बाद में उसके नुकसान होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। चलिए हम लोग अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के। स्टेप नंबर वन हमारा है स्क्रबिंग। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा है कॉफ़ी, मैंने यहाँ पे ली है नेस्ले की कॉफ़ी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है लेमन। लेमन हमारी स्किन में ब्लीचिंग का काम करता है। यहाँ पर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, बाउल में मैं ऐड करूँगी। आपने एक फुल चम्मच भर के लेनी है कॉफ़ी की। कॉफ़ी में ऐसी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन अप बनाती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है कास्टर शुगर। अगर आपके पास कास्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी को पीस के उसका पाउडर भी बना सकते हैं। चीनी हम लोग यहाँ पे इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि हमारी स्किन इरिटेट ना हो। उसके चंक्स बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो हमारी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं या हमारी स्किन को हार्म पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कास्टर शुगर का लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक लेमन। लेमन हम लोग फुल इसमें ऐड करेंगे। लेमन में ऐसे ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन अप बनाते हैं। लेमन हमारी स्किन से सनबर्न या टैन को भी ख़त्म करता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ बनेगा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये स्क्रब आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देगा। आप इसके एक ही यूज़ में हैरान हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी। मैं इसकी एप्लीकेशन आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें और इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट इंजॉय करें। आपने इसकी थिक लेयर अपने फेस पे अप्लाई करनी है और 2 से 3 मिनट तक इसके जेंटली मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। इसके बाद आपने इसकी मसाज लाजमी करनी है। मैंने भी मसाज की थी लेकिन वो क्लिप मेरे से कहीं मिस हो चुकी है, इस वजह से मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। इसके रिज़ल्ट उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएंगे। मैंने इसे अपने दोनों हाथों पे अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी लेयर मैंने थिक रखी है। मसाज करने के बाद आपने इसको 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएं अच्छी तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो स्क्रब है वो अच्छी तरह से मेरी स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है। अब मैं एक बाउल में पानी लूँगी और स्पंज की मदद से इसको रिमूव करूँगी। मैं इसको रिमूव जैसे जैसे करूँगी मेरी स्किन ब्राइटन अप होगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर रही हूँ मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मेरा जो वन डे चैलेंज है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। आप इसके फाइनल रिज़ल्ट देखें, इसके रिज़ल्ट कितने ज़्यादा अमेजिंग आए हैं। मेरे हैंड कितने ज़्यादा ब्राइटन अप हो गए हैं। आप इसको फेस पर अप्लाई करें और इसके हैरान कुन रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएंगे, ट्रस्ट मी गाइस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हम लोग बनाएंगे फेस मास्क। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। बेसन आप जानते हैं कि हम लोग एज अ फेस वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यह हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। यहाँ पर मैंने लिया है फ्लोर, घर का गंदम का आटा। आटा एक ऐसा नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो हमारी स्किन को एवन टोन देता है और हमारी स्किन को डीपली क्लींजर भी करता है और हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन अप भी बनाता है।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो है कॉफ़ी, और उसके बाद हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम लोग अपना फेस मास्क तैयार करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मास्क होगा जो आपकी स्किन को ग्लोइंग देगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। जो भी देखेगा वो आपकी स्किन को देख के हैरान हो जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया फ्लोर यानी कि आटा। अब नेक्स्ट मैं लूँगी बेसन। बेसन का भी हम लोग यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, और इसके बाद आप लोग इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी की। मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे लेमन, 1/2 लेमन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ जो है अड़के गुलाब। 2 टेबल स्पून तक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अड़के गुलाब को, देन इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है दही यानी कि कर्ड। 1 टेबल स्पून मैं इसमें दही का ऐड करूँगी। योगर्ट में ऐसी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप बनाती हैं, हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती हैं। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसका मास्क बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा। आपने इसकी कंसिस्टेंसी ठीक रखनी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए और हमारा मास्क तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा खूबसूरत बन रही है, ये कितना स्मूथ सा टेक्सचर बना है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक ही यूज़ में इसके रिज़ल्ट हैरानकुन होंगे। आप इसका लाइव रिज़ल्ट देखेंगे मेरे हाथों पर कि इसके रिज़ल्ट कितने ज़्यादा अमेजिंग आए हैं। इसकी थिक लेयर आप अपने हैंड पर अप्लाई करें। जब आप लोग इसको अपने फेस पर भी अप्लाई करें तो इसकी थिक लेयर अपने फेस पर भी अप्लाई कीजिएगा। देन इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा तब तक जब तक ये सूखता नहीं है। जब ये सूख जाए तो फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से रिमूव कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसकी थिक लेयर अपने हैंड पे अप्लाई कर ली है। इसी तरह ही मैं अपने दूसरे हाथ पे भी इसको अप्लाई करूँगी। दोनों हाथों पे लगा लूँगी और उसके बाद इसके सूखने का इंतज़ार करूँगी। जब ये सूख जाएगा तो मैं इसको रिमूव करूँगी और इसके लाइव रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा जो मास्क था वो सूख चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सूख चुका है। अब मैं इसको रिमूव करूँगी पानी के साथ। यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। स्पंज की मदद से मैं अपने हाथों को साफ़ करूँगी। जैसे जैसे मैं इसको साफ़ कर रही थी आप इसके रिज़ल्ट देखें, स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट पे ही बता दिया था कि इसके रिज़ल्ट कितने ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हैं इसके फाइनल रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अपनी स्किन पे अप्लाई करें और इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट एंजॉय करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।